25,000 रुपीस के सेगमेंट में एक स्मार्टफोन सभी लोग ढूंढ रहे हैं, और एक बेहतरीन सा स्मार्टफोन, और यहां पर आता है आईकू। अब एग्जैक्टली आईकू को इस्तेमाल करते मुझे काफी ज्यादा समय हो चुका है, तो मैं यहां पे बताने वाला हूं क्या आईकू Z7 Pro या Z7 Pro, ये जो स्मार्टफोन है, आपको 25,000 रुपीस के प्राइस सेगमेंट में कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैमरा कैसा है, बैटरी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 25,000 रुपए के प्राइस पर आईकू Z7 Pro। इसका बिल्ड एंड डिजाइन जो है, मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि मैं इंप्रेस्ड हूं। हाँ, इन हैंड फील आपको बढ़िया लगेगा। जो प्रोटेक्शन दिया गया है, AG ग्लास है, मतलब आपको बैक पैनल भी यहां पे ग्लास मिलता है, एंड डेफिनेटली फ्रॉस्टेड लुक एंड ग्रेडियंट कलर्स के साथ बहुत ही बेहतरीन, आपके आंखों को सूदिंग लगने वाला है। ओवरऑल यहां पर इन हैंड फील बढ़िया है, अच्छा है। फ्रंट में आपको यहां पे कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है, और जो डिजाइन भी है वो भी कंप्लीटली कर्व्ड है। तो ओवरऑल इन हैंड फील वगैरह काफी बढ़िया आएगा। स्लिम ट्रिम वाला फोन है और बहुत ही पतला सा है, मतलब लिटरली यू आर गोना फॉल इन लव विद दिस स्मार्टफोन। अब ये कैसा है, मैं इसको थोड़ा सा आपको कंपेयर कर देता हूं। मोटोरोला का मोटो एज 40 वाला, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आपको वहां से अंदाजा लग जाएगा। मोटो एज 40 जो हमने आपको बताया था, अगर किसी के पास वो स्मार्टफोन है तो बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी है स्लिमनेस में, मतलब जो इसका थिकनेस है उसमें आपको बहुत ही सिमिलर मिलेगा मोटो एज 40 एंड आईकू Z7 Pro। अब दोनों फोन देखिए अलग अलग है, वो वेगन लेदर के साथ आता है, उसमें प्लास्टिक आता है, मतलब उसमें ग्लास वाला मोटो में नहीं मिलता है। आईकू आपको ग्लास देता है बट वेगन वाला इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है। बट डेफिनेटली अगर प्रीमियमनेस अगर आप देखने जाएगा तो वेगन ज्यादा इन हैंड अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा बेटर लगता है। तो उसके मामले में देखिएगा तो मोटो एज वाला थोड़ा ज्यादा बेटर यहाँ पे लगता है। तो हम यहाँ आईकू पर आते हैं सीधा घूम फिर करके मुद्दे पे। तो बहुत ही स्लिम फोन है, बढ़िया है, अच्छा है, इन हैंड फील एक्सपीरियंस आपको बेहतरीन मिलने वाला है। नाउ कमिंग टू द डिस्प्ले, डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है 6.78 इंचेस का, मतलब मुझे लगता है कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चरर्स जो है इनको थोड़ा समझना चाहिए भाई, मतलब 6.5 एक टाइम पे आता था, अभी 6.78 कर रहे हैं। 6.1 या 6.2 इंचेस में एक भी स्मार्टफोन नहीं है। अगर आप यहाँ पे गौर फरमाइएगा तो एप्पल के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ दी जो नॉन प्रो सीरीज होते हैं वो सबसे ज्यादा बिकते हैं नॉन प्रो सीरीज, और नॉन प्रो सीरीज की जो स्क्रीन साइज है दैट इज 6.1 टू 6.2 मैक्सिमम, मतलब बहुत हो गया। क्यों? वन हैंड ऑपरेशन ईजी होता है। अब ये एंड्रॉयड वालों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि भाई आप ऑप्शंस दो, यहाँ पर 6.78 बहुत ज्यादा बड़ा डिस्प्ले हो जाता है। तो ओवरऑल यहाँ डिस्प्ले की क्वालिटी तो अच्छी है, 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, यहाँ आपको मिलता है बहुत ही नेचुरल कलर्स, 3D कर्व्ड डिस्प्ले, बहुत ही बढ़िया अच्छा एक्सपीरियंस आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। व्यूइंग में किसी भी तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कलर्स वालर्स जो इसके अंदर सारे जो रेड ग्रीन जो भी कलर्स हैं बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं, और डिस्प्ले आपको कतई निराश नहीं करने वाला है। एमोलेड डिस्प्ले, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, आउटडोर इनडोर दोनों ही जगहों पर यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले की क्वालिटी मिल जाएगी। नाउ कमिंग टू द प्रोसेसर, प्रोसेसर यहाँ मिलता है डायमेंसिटी 7200 का, जो यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी जो चिपसेट है ये है 4 नैनोमीटर बेस्ड, और 4 नैनोमीटर बेस्ड होने की वजह से यहाँ बैटरी एफिशिएंसी तो बढ़ ही जाती है, बट आप इससे ये अंदाजा मत लगाइएगा कि ये बहुत ही बेहतरीन गेम सेंट्रिक स्मार्टफोन है। जी नहीं, दिस इज नॉट द बेस्ट गेम सेंट्रिक स्मार्टफोन। हाँ, अगर मिड कोर गेमर हैं, गेम छोटा मतलब ज़्यादा लंबी देर तक नहीं खेलते हैं और बजट भी कम है, तो उस सेगमेंट पर डायमेंसिटी 7200 आपको लेट डाउन नहीं करेगा, बट डेफिनेटली यहाँ पर प्रोसेसर को आप गेम सेंट्रिक यहाँ पर नहीं चूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी समय के साथ धीरे धीरे यहाँ पर जितने प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो सभी के सभी यहाँ पर आ रहे हैं बैटरी एफिशिएंसी के साथ, तो अभी आपको 4 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर, मतलब दिस इज वेरी कॉमन। अगर आप 20-25 हज़ार रुपये में देखिएगा तो 4-4 नैनोमीटर तक के आपको चिपसेट्स मिल जाते हैं, जहीं एक टाइम पे 20,000 तक के स्मार्टफोन में 12 या 16 नैनोमीटर से हमें स्मार्टफोन दिखते थे, और महंगे वालों में ही हमको यहाँ पर कम नैनोमीटर देखने को मिलता था। तो देखिए बैटरी एफिशिएंसी तो बढ़ जाती है, लेकिन गेम सेंट्रिक ये स्मार्टफोन नहीं है। दिस इज जस्ट कि यहाँ पर ये सारी मिड कोर चीज़ों को झेल सकता है आसानी से, आपको यहाँ पर एक परफॉर्मेंस निकाल करके दे देगा। अब UI की बात कर लेते हैं। देखिए UI यहाँ पर आईकू का पहले बढ़िया था, आईकू भी यहाँ पर अब कचरा पट्टी डाल के देने लगा है, तो डेफिनेटली आप नोटिफिकेशंस वगैरह बंद कर दीजिए, दैट इज द सेकेंडरी थिंग। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। तो 2 साल का यहाँ पर मतलब 2 मेजर अपग्रेड्स और यहाँ पे सिक्योरिटी पैचेस वगैरह आपको मिलने वाले हैं टाइम टू टाइम। अब UI जो है, UI मुझे काफ़ी बार लैगी सा फील हुआ है। क्यों हुआ है, क्यों
क्योंकि यहाँ ऑप्टिमाइजेशन में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा कमी लगी है। जैसे कि अगर आप 120 हर्ट्ज इसके अंदर जो हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, पहले तो आपको मैनुअली फोर्सफुली उसे सेटिंग्स में जाकर के इनेबल करना होगा, जिसकी वजह से काफी सारे एप्लीकेशंस यहाँ 120 हर्ट्ज पे यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है, आपको मैनुअली जाकर के उसे इनेबल करना होता है। अगेन बैटरी के हिसाब से देखने जाऊँ, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था, अब आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट यूआई काफी बार यहाँ फ्रीज होता है या फिर लैग होता है, मतलब रेगुलरली नहीं होता है, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, रेगुलरली नहीं होता है, सर्टेन टाइम्स मतलब अचानक से ये थोड़ा फ्रीज होने लगता है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स यूट्यूब पे यहाँ पे वीडियोस देखने के समय ये चीज मैंने नोटिस की है। तो ये समय के साथ ब्रांड यहाँ पर अपडेट कर सकती है। थोड़ा सा ओल्ड लुकिंग अभी भी है नोटिफिकेशन पैनल, जो कि बताया जा रहा है कि एंड्रॉइड 14 के बाद यहाँ ब्रांड इसके अंदर नए चेंजेस, मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे विजुअल इम्पैक्ट्स में। तो आई होप कि अपडेट्स आने के बाद ये सारी चीजें बदल जाए। हाँ, वी ऐप करके जो एप्लीकेशन है आइको का, दैट इज रियली डिस्गस्टिंग। मतलब मुझे लगता है कि भाई आइको यू आर डूइंग ग्रेट, तो फिर आप क्यों ऐसे फालतू की चीजें इसके अंदर डाल के, तो प्लीज लेट अस यू नो हैव दैट स्मूदर एक्सपीरियंस। नाउ कमिंग टू द बैटरी, बैटरी इसके अंदर मिलता है 4600 mAh की बड़ी सी बैटरी और 66 W का चार्जर, आराम से चल जाता है। देखिए 5G इनेबल कीजिएगा तो 5G वाले जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं सभी के अंदर बैटरी ड्रेनेज है। आईफोन भी मेरा यहाँ पर नहीं चलता है दिन भर, अगर आप 100% लेकर के चलते हैं बैटरी 5G के साथ, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम्स चार्ज करने पड़ सकते हैं। समय के साथ इसमें और चेंजेस आएंगे टेक्नोलॉजी में, तो शायद 5G के अंदर हमको बैटरी इंप्रूवमेंट और बेटर देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर अगर 5G के साथ अगर आप इस स्मार्टफोन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बैटरी बैकअप आपको दिन भर नहीं मिलने वाला है। लेट मी बी वेरी प्रैक्टिकल, और 4G के साथ आपको एम्पल अमाउंट ऑफ बैटरी बैकअप यहाँ पे मिल जाएगा, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम या परेशानी नहीं आने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा को लेकर, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हो हल्ला मचाया गया, और यहां तक अगर पहुंची गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिना किसी कंजूसी के। तो सबसे पहली चीज, यहाँ कैमरा जो मिलता है वो है 64 MP का और फ्रंट में 16 MP का। ब्रांड ने यहाँ पे थोड़ा सा झोल झपाटा किया है। अगर आप यहाँ पे कैमरा को देखिएगा, कैमरा जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल आपको देख करने के बाद लगने वाला है कि भाई इसके अंदर दो कैमराज दिए गए हैं या फिर तीन कैमराज हैं, मतलब आपको थोड़ा कंफ्यूजन आएगा। बट मैं यहां आपको बता दूं कि जो सेकेंडरी कैमरा है दैट इज गुड फॉर नथिंग। यहां पे सिर्फ 64 MP का आपको प्राइमरी मिलता है, 2 MP का, और अल्ट्रा वाइड तो है ही नहीं इसके अंदर, लेट मी बी वेरी क्लियर। अब इसको अगर हटाया है तो इसके साथ कुछ कुछ चीजें एड ऑन की गई है, जैसे कि रेयर में जो आपको कैमरा मिलता है वहां पे आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, साथ में OIS एंड EIS दोनों इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखिए वीडियोस वगैरह जब रिकॉर्ड कीजिएगा तो यू आर गोना लव इट, मतलब स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। गिम्बल में जिस तरह का आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलता है भागते दौड़ते जब आप यहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, उसके आसपास मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ आइको ने काफी बेहतरीन काम किया है, जहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आपको यहाँ स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, काफी बढ़िया नीट एंड क्लीन वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड करता है। फ्रंट में फुल HD का ही सपोर्ट मिलता है 16 MP कैमरा के साथ, और यहाँ पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा से नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल वीडियो के मामले में कैमरा मुझे इंप्रेसिव लगा है, लोअर लाइट कंडीशंस में अज यूजुअल जो 25-30-35,000 वाले स्मार्टफोन्स होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, आईको भी यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है। नाउ लेट अस कम टू द पिक्चर पॉइंट, यहाँ पर स्टेबल इमेजेस को लेकर के, तो स्टेबल इमेजेस मैंने ढेर सारे यहाँ पे क्लिक किए हैं, एंड ट्रस्ट मी इमेजेस लुक्स गुड। ये इन डिटेल अभी वीडियो नहीं है, मैंने बस रैंडमली बहुत सारे यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए। हाँ, काफी बार मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कलर को थोड़ा सा कभी कभी वॉश कर रहा है, बट ये शायद लाइट कंडीशंस की वजह से। आई होप कि यहाँ पर कैमरा के अंदर और भी चेंजेस देखने को मिले, टेंस ऑफ फीचर्स इसके अंदर तो ऑलरेडी दिए गए हैं कैमरा के अंदर में, तो कैमरा की इमेज की क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी है, डिटेलिंग भी है। हाँ, अगर आप यहाँ पे जूम करके इमेजेस को क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको ग्रेनी या फिर नॉइज देखने को मिलेगा इमेजेस के अंदर में। तो ओवरऑल आइको Z7 Pro का जो कैमरा डिपार्टमेंट है, मतलब इट इज गुड, नॉट ओके बट गुड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नॉट बेटर और बेस्ट, गुड वाला यहाँ पे कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। मतलब इस सेगमेंट में बोलूंगा कि डेफिनेटली एक बेहतरीन कैमरा आपको मिलता है 25,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर। अब मैं बोल सकता हूँ कि आइको Z7 Pro के अंदर जो कैमरा की क्वालिटी है दैट इज गुड इन कंपैरिजन टू अदर स्मार्टफोन्स। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा रिव्यू रहा आइको Z7 Pro रिटेल यूनिट का। आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।